हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज या उसी को कहते हैं मिनरल्स। इसके पिछले हम डिस्कस किए थे चट्टान और चट्टान के प्रकार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज और खनिज। ठीक, तो देखते हैं खनिज का होगा। पृथ्वी के धरातल के नीचे पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक, देखिए हमारे पृथ्वी के लिए धरातल के नीचे पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ खनिज कहलाते हैं। खनिज की जो रासायनिक संरचना क्या होती है? निश्चित होती है। निश्चित जो संरचना होती है खनिज जो होते हैं उसकी संरचना स्ट्रक्चर क्या होती है? निश्चित होती है। खनिज क्या होते हैं? हमारे पृथ्वी के नीचे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज। ठीक, हमारे पृथ्वी के नीचे एक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कोयला हुआ, जैसे अपरक या उसी को होते हैं माइका। इसका जो घर का उपयोग करते हैं बिजली के सामान बनाने करते हैं, बिजली के सामान को बनाया जाता है। और कोयला जानते हैं, हीरा हुआ तथा अनेक प्रकार के बहुत जो पत्थर पाए जाते हैं वो सभी में क्या है? खनिज पदार्थ। यानी जो भी हीरा अभ्रक कोयला और अनेक प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं ये सभी आते हैं हमारे खनिज पदार्थ में। तो खनिज पदार्थ में मुंगिया का अभ्रक कोयला हीरा और अनेक बहुमूल्य पदार्थ ये सभी आते हैं खनिज। तो खनिज जो होते हैं पृथ्वी के नीचे अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ जिसे हम कहते हैं खनिज। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं अयस्क या उसी को बोलते हैं अनेक अयस्क। ऐसे खनिज जिनसे धातु आसानी तथा कम खर्च में प्राप्त करते हैं। ऐसे खनिज जिनसे धातु में आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे खनिज जिनसे धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है उसे कहते हैं अयस्क। ठीक, तो ये होते क्या है? ऐसे खनिज जिनसे धातु आसानी तथा कम खर्च में प्राप्त करते हैं, आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं अयस्क। तो ऐसे जैसे लिमिटाइट हुआ, बाक्साइट हुआ, चूना पत्थर हुआ और राक्षसाइट इत्यादि। ठीक, यानी ऐसे होते क्या है? ऐसे खनिज जिनसे धातु कम खर्च तथा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उसे कहते हैं अयस्क। जैसे हेमेटाइट, बाक्साइट, चूना पत्थर, राक्षसाइट इत्यादि सभी हमारे क्या आते हैं? अयस्क में आते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे खनिज पदार्थों के समान मूल्य। ये खनिज पदार्थों के समान मूल्य क्या होते हैं? अवस्था। तो इसको पहले पहला पॉइंट देखेंगे, इसका अवस्था क्या होती है, किस अवस्था में पाए जाते हैं अवस्था देखते हैं। सभी जो खनिज पदार्थ होते हैं समांतर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। समांतर ये देखा जाता है कि अधिकांश जो पदार्थ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं किस अवस्था पाए जाते हैं? अधिकतर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। उसकी रंग यानी उसका कलर क्या होता है? सेकेंड पॉइंट देखेंगे उसका कलर या रंग। ठीक, तो उसकी जो खनिज पदार्थ अनेक रंग की होती है यानी इसकी रंग अधिकतर होती है, कई रंग की हो सकती है। उसके बाद थर्ड देखते हैं चमक। खनिजों में धातु और अधातु दोनों प्रकार की चमक पाई जाती है। कुछ धातु चमक भी पाई जाती है खनिज में और कुछ अधातु चमक भी पाई जाती है। और इसका चौथा पॉइंट देखते हैं इसकी कठोरता या हार्डनेस। कठोरता का अर्थ हुआ उसकी खुजने से। ठीक, तो जो जनरली उसकी कठोरता से इसका निकलता है कि ये कोमल या कठोर हो सकते हैं, कोमल भी हो सकते हैं और कठोर भी हो सकते हैं। पांचवा इसी देखते हैं, पांचवा पॉइंट देखते हैं कि इसका संरचना क्या होती है या उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर। ये समांतर क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टलीय का मतलब यह हुआ कि
उसकी संरचना निश्चित हुई है, इसको दूसरा रूप नहीं बदल सकते, जैसे क्या हुआ और ग्रेफाइट, इसकी संरचना पिछली में छोटा है उसका जो संरचना होगी एकदम निश्चित होता है, इसको बदला नहीं जा सकता, जैसे जैसे आपका हुआ मीरा और ग्रेफाइट, अथवा वह पिछली में छोटा है जिसकी संरचना क्या हो सकती है बदल सकते, जैसे कांच हुआ मूंग हुआ इत्यादि, ठीक, इसकी संरचना जो होती है पिछली तथा अपिष्टली होती है। चौथा चौथा नहीं सिक्स सिक्स पॉइंट लिखते हैं पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता पारदर्शिता, अधिकांश जो खनिज अपारदर्शी होते हैं और पारदर्शी मीन्स इसके आर पार दिखाई नहीं देखा नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं अपारदर्शी, लेकिन कुछ पारदर्शी तथा कुछ उसे पारदर्शी जिस बार बार देखा जा सकता है कुछ और पारदर्शी जिसके आधा भाग ही देखा जा सकता है, यानी अधिकांश जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं और पारदर्शी होते हैं तथा कुछ उसमें पारदर्शी तथा अपारदर्शी पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो ऊर्जा का एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है जिसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो पेट्रोलियम महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान पदार्थ होता है, पेट्रोलियम जो होता है एक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान पदार्थ होता है और पेट्रोलियम से हम क्या करते हैं पेट्रोल प्राप्त करते हैं, पेट्रोल से एक अन्य प्रकार की कई प्रकार की बस रेलगाड़ी वायुयान और अन्य प्रकार की तेल से इन्हें चलाए जा सकते हैं, ठीक, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए पेट्रोल पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल आदि से प्राप्त किया जाता है, यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल इसी पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं, यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना कार स्कूटर वायुयान अन्य प्रकार के जो तेल से चलने वाली वस्तु चलाई नहीं जा सकती है, यानी यह इतना महत्वपूर्ण है जो पेट्रोल से चलने वाली, यानी यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना कार हुआ स्कूटर हुआ रेलगाड़ी वायुयान हुआ बस हुआ अन्य प्रकार के जो तेल से चलने वाली वस्तु चलाई नहीं जा सकती है। हमारे घर में जो खाना बनाने के लिए एल पी जी गैस का उपयोग करते हैं तो भी क्या है पेट्रोलियम का ही देन है, ठीक, तो पहले हम यह करते हैं कि जो पेट्रोलियम होता है यानी उसको घर जमीन से निकालते हैं वो किस अवस्था में एल पी जी रहता है गैस अवस्था, इसको क्या करते हैं उस दाब को उसको उस दाब किया जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है द्रव अवस्था में बदला जाता है, द्रव अवस्था में बदलने के बाद उसको क्या करते हैं उसको सिलेंडर में भेज देते हैं, ठीक, इतने अधिक उपयुक्त तथा महत्व के कारण यानी इतना अधिक उपयोग तथा महत्व के कारण इसे कहते हैं द्रव सीमा में कहा जाता है, ठीक, तो पेट्रोलियम जो होता है ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, पेट्रोलियम जो होता है ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसके द्वारा कई प्रकार की पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल आदि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक, जिसका प्रयोग रेलगाड़ी हुआ बस हुआ अन्य प्रकार के जो इंजन हुआ इससे चलाए जाते हैं, और जो हमारे घर में रसोई गैस होता है उसमें भी इसी गैस का एल पी जी गैस का प्रयोग करते हैं, एल पी जी जो गैस होता है सबसे पहले वो गैस वस्तु करता है, उसको क्या किया जाता है उस हिसाब पर उसको द्रव में बदला जाता है फिर इसको सिलेंडर में भेज दिया जाता है, और इतना उपयोग के कारण इसको क्या करते हैं इसी को इतने अधिक उपयोग इतने अधिक उपयोग तथा महत्व के कारण से हम द्रव सुधा के नाम से जानते हैं द्रव सुधा का, ठीक, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पेट्रोलियम कैसे प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले पेट्रोलियम को कुआं से खोद के निकाला जाता है उसके बाद उसकी सफाई करने के लिए भेज दिया जाता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं उसमें पेट्रोल को अलग कर लेते हैं पेट्रोल को अलग कर लेते हैं जिसके द्वारा पेट्रोल से
कार हुआ, स्कूटर हुआ, वाहन हुआ, ये सब चलते हैं और इसका उपयोग डाई क्लीनर कपड़ों की सफाई के लिए भी किया जाता है। और इसका उपयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि पेट्रोल का उपयोग जनरली हम जो उच्च क्वालिटी की पेट्रोल होती है उसका उपयोग वायुयान में भरने के लिए करते हैं। और इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसका उपयोग